दे करोड़ा का माल भाई फट के सुबह भाई अग दे बहुत ज्यादा भयंकर अग लग गई भाई देख दे भाई करोड़ा का माल गल के सुबह हो गया देख उधर अभी लाइट भी देख सकती है मैं तो निकल लगा दे सारा कुछ आ गया भाई नमस्कार आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस मैं हूं सर्वेश शर्मा आपके साथ। जी हां इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ जो है अम्बाला छावनी की रेलवे रोड की आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जो है एक भीषण आग लगी थी दुकान में। यहां पर जो है दमकल कर्मियों को यहां पर बकायदा सूचित भी किया गया। लगभग 8:15 के आसपास की घटना बताई जा रही है। दुकानदार भी जब दुकान के भीतर ही यहां पे काम कर रहे, देखिए किस तरह से यहां पर जो है भारी एक क्षति का सामना जो है दुकानदारों को करना पड़ा है। जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी का गुजारा करने के लिए एकमात्र यही सहारा इन दुकानदारों के लिए था अपनी जीविका को चलाने के लिए, रेलवे रोड पर बनी ये वही एक दुकान है जहां पर देखिए किसी तरह से कपड़ों का भी काम किया जाता है। कुछ कंबल वगैरह जो है यहाँ पर दुकानदार जो है बेचते हैं और रेलवे रोड पर जो है ये बनी हुई है। और देखिए लगभग 8:15 के बाद जिस समय यहाँ पर आग लगी थी, इस तरह से दिखा दें आपको कि यहाँ पर अंदर से पूरी तरह से ये सामान जो है पूरी तरह से जलकर जो है खराब हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। दुकानदार भी यहाँ पर जो है अभी खड़े हैं और कोशिश करेंगे इनसे बात करें और खबर को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए सीधी तस्वीरें इस समय जो है अम्बाला छावनी रेलवे रोड से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सामान है बिखरा पड़ा हुआ है। दुकानदारों ने बहुत कोशिश की है इसको बचाने के लिए पर इतना नुकसान ये हो चुका है। आइए दुकानदारों से बात भी करेंगे और बकायदा कुछ और दिखाएंगे यहाँ से कि किस तरह जो है यहाँ पर आग लगी थी और किस तरह यहाँ पर जो है ये नुकसान अम्बाला छावनी की रेलवे रोड पर। जी बिल्कुल दिखा दें ये तस्वीरें आपको सीधी जो है दुकान के अंदर की है जहां पर देखिए सामान जो है पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। और बात की जाए तो यहां पर लगभग छत पर लगे हुए पंखे जो है देखिए किस तरह से इसमें भी कुछ भी नहीं बचा है। बाकायदा काउंटर जो है पूरी तरह से जल चुके हैं। यहाँ पर देखिए जो है सामान जो है कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है, सिर्फ बची है तो एक ये राख बची है जो इस तथ्य की पूरी तरह से गवाही दे रही है। देखिए किस तरह से आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं लगातार जो है यहाँ पर किस तरह से दुकान में जो है कुछ भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ जहाँ जहाँ तक बात की जाए तो सिर्फ लगभग बिखरा हुआ वो जला हुआ सामान जो है वो जो अपने आप में एक गवाही दे रहा है कि कितना जो भीषण है ये हादसा आज अम्बाला छावनी की इस रेलवे रोड पर जो है हुआ है। और बाकायदा जो है
दुकानदार जो है पूरी तरह से जो है सदमे में आ चुके हैं, क्योंकि अगर भरपाई की बात की जाए तो ये पूरी जिंदगी की जो है इनकी जमा पूंजी थी, इसको जिन्होंने संजो कर रखा हुआ था अपने परिवार को चलाने के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना काल से लेकर अब तक जो है लोग उभरे नहीं हैं और अपनी जीविका को चलाने के लिए अभी पूरी तरह से सक्षम ही नहीं हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अम्बाला छावनी की रेल रोड पर ये बड़ा हादसा जो है, क्या किस तरह की इनके साथ जो है आज की खेल हो गया है, देखिए आपके सामने ये सीधी तस्वीर एक बार फिर से बयां कर रही है, दिखाएंगे इस खबर को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और देखिए एक बार फिर से ये आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सामान जो है लगभग कपड़े का बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो है स्कूल बैग या हैंड बैग, ट्रैवलिंग बैग और कपड़े और कंबल वगैरह की जो शॉप थी यहाँ पर जो संचालक हैं उसे चलाया करते थे। और देखिए साथ लगी भी एक दुकान आपको और दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है फिर भी जो है कुछ हद तक बचाने की कोशिश जो है की गई है, पर फिर भी अगर बात की जाए तो दोनों तरफ से जो है दो दुकानें, एक तरफ जो दिखा रहा हूँ मैं आपको मेरे सीधे हाथ की तरफ है और जो दूसरी दुकान जो है यहाँ पर एक जो है मेरे उल्टे हाथ पर जो यहाँ पर साथ में जो है एक ये याका म्यूजिकल स्टोर के नाम से एक ये शॉप बनी हुई है, इसके साथ देखिए लगती हुई ये तीन दुकानें हैं लगातार। ये सीधी तस्वीरें आपके साथ जो है दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर कि दो दुकानें जो है पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, कुछ भी जो है दुकानदार के पास आने वाले समय के लिए जो है नहीं बचा है। सर्वेश शर्मा, हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस, अम्बाला छावनी से। एक बार फिर से खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर। मैडम सबसे पहले तो ये जिस तरह से आग यहाँ पर लगी है, आप दुकान को यहाँ चलाते हैं, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? रेनु जी, जब ये आग लगी है यहाँ पर लगभग बता रहे हैं कि 8:15 के आसपास जो है आग लगी थी, उस समय आप लोग क्या दुकान में बैठे हुए थे? दुकान में ही थे। क्या कारण रहा है ये आग लगने का, कुछ पता बताएंगे? सामान का कितना नुकसान हुआ आपका यहाँ? बचा ही कुछ नहीं। कितनी दुकानें यहाँ पर है? हमारी दो दुकानें हैं, बैग से लेकर सब कुछ है हमारे पास। किस किस तरह का सामान यहाँ पर रखा हुआ था दुकान में? नॉन वुमन बैग थे, बैग है, जूता चप्पल है, जैकेट है, कंबल है, सब कुछ। अप्रोक्सीमेट अगर बात की जाए अंदाजन का कितना नुकसान आपका यहाँ पर? 12 लाख। अंदाजा नहीं है जी, 12 लाख उससे भी ऊपर कुछ नहीं कह सकते। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंकित शर्मा। अंकित जी, जिस समय आग लगी थी क्या आप दुकान में बैठे हुए थे? मैं पास में था मार्केट में, जब पहुंचा तब तक तो सब कुछ खत्म हो गया। कुछ जो प्रयास यहाँ पर आग को बुझाने का किया गया, किसके द्वारा किया गया? फायर ब्रिगेड आई, आस पड़ोस वालों ने मदद करी। कुछ सामान बचाया गया इसमें से? नहीं। जी बिल्कुल, दुकान संचालकों से बाकायदा हमारी बात हुई है। अंकित शर्मा जी है यहाँ पर, उनकी मदर हैं जो रेनु शर्मा जी इस दुकान को यहाँ से चलाती हैं, और बाकायदा आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग एक उम्मीद बताई जा रही है कि 12 लाख से ऊपर का एक अनुमान है जितना कि सामान यहाँ पर पड़ा हुआ था। दुकानदारों ने, आसपास के लोगों ने काफी मदद की है इस आग पर काबू पाने के लिए। और बता दें आपको एक बार फिर से दिखा दें ये सीधी तस्वीर है कि दुकान में जितना भी सामान था वो पूरा का पूरा जलकर जो है खाक हो गया है। बिल्कुल दिखा दें आपको यहाँ पर, देखिए एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे आपको, नजदीक से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से देखिए पूरी तरह से सामान जो है जलकर खाक हो गया है, राख में बदल गया है। जमा पूंजी जितनी भी थी, एक तरफ तो अगर बात की जाए कोरोना काल से अभी जो है देश हमारा उभरा नहीं है, पूरी तरह से बाहर नहीं आया, और एक बार फिर से जिस तरह से अम्बाला में यहाँ पर एक बार फिर से कि हादसा जो है आग लगने से हुआ है, और अभी तक जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की आग लगने का कारणों का जो स्पष्टीकरण है बकायदा ना दुकानदार के द्वारा किया जा रहा है, ना किसी को पता, क्योंकि कोई सर्किट हुआ है या किस तरह से यहाँ पर आग लगी है आपके सामने ही है। ये तस्वीरें खुद ब खुद एक बार बयान कर रही है यहाँ पर इन बातों को कि किस तरह से जो है ये भारी क्षति रेलवे रोड अम्बाला छावनी पर जो है नजदीक रेलवे स्टेशन जो है ये हुआ है, एक बड़ा हादसा है। जान माल का इसमें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है। बचाव दल फायर ब्रिगेड के द्वारा जो है बकायदा इस आग पर लगभग 2 से 2.5 घंटे के बाद काबू पा लिया गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। बता दें आपको यहां पर सारा सामान जो है दुकानदारों का पूरी तरह से जलकर जो है नष्ट हो चुका है। सर्वेश शर्मा, हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस, अम्बाला छावनी से। खबर को शेयर करें, लाइक करें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर से बता दें यहाँ पर देखिए जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि दो दुकानें जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, साथ में लगती दुकानदार हुआ जिसको भी जो है अभी तरपाल के द्वारा जो है दुकानदार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से रात की जो है ओट लगाई जाए, क्योंकि चलता की रोड है ये, दिखाएंगे आपको सामने कि किस तरह से यहाँ पर जो है इनका भी काफी नुकसान जो हुआ है। जूते जो यहाँ पर बेचे जाते थे इनका भी सेम ऐसा ही एक कारोबार कपड़े का था, साथ में जो है काफी जो नुकसान इनका हुआ है, इनसे ही बात करना चाहेंगे। जी सर नमस्कार, शुभ नाम आपका? शुभम नाम है।
शुभम जी, कितना नुकसान जो है आपका यहाँ पर हो, कि किस तरह से ये आग लगने के कारण जो है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। बस सर, ऐसा है, एकदम से आग लग गई है इनकी, हमारी थोड़ी बहुत छतरी वगैरह जली है, त्रिपाल वगैरह, और इसके नीचे जूतों के हमारे बोरे वगैरह थे, बस वो माल जला हमारा, बाकी तो ज्यादा नुकसान तो भारी इन्हीं का हुआ है, इनके साथ साथ लगते हुए हमारी लगी है। कुछ कारण पता लगा कि किस तरह से आग लगी है? कुछ प्रॉपर नहीं पता लगा जी, अभी शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, अंदर आग लगी, कुछ नहीं कह सकते जी फिलहाल। कितनी गाड़ियां जो है दमकल विभाग की बुलाई गई थी इस आग पर काबू पाने के लिए? दो गाड़ियां आई थी जी, प्रॉपर खाली हो गई हैं दो गाड़ियां। लगभग 8:15 के आसपास का समय है बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस समय आग लगी थी, और जो है किस तरह का जो है नुकसान काफी जो हुआ आपका हुआ है वो देख रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें खुद ब खुद एक बार जो है बयां कर रही है, कि अगर आसपास की उम्मीद बात की जाए, अगर कि कुछ पड़ोसियों से या किस तरह की कोई मदद आपको मिली आग पर काबू पाने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल, सारे साथ थे, कोई ऐसी बोली बात नहीं है, सारे साथ खड़े हो गए थे। प्रशासन से किस तरह की आप गुहार लगाते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी हम तो यही कहना चाहेंगे, आजकल आपको पता ही है कितना नुकसान हुआ है, बहुत अभी तो सेट भी नहीं हुए थे कि आगे से ये आग लगी, और यही चाहते हैं कि भी जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो, बस यही गुहार है हमारी सरकार से कि जो मुआवजा है वो हमारे दिया जाए, बाकी इंश्योरेंस नहीं है हमारी दुकानों का, क्योंकि घर भी पीछे हैं और दुकानें भी हैं, इसी करके जी। बिल्कुल, दुकानदारों के द्वारा जो है जिस तरह से ये नुकसान यहाँ पर हुआ उसकी भरपाई तो शायद नहीं की जा सकती, क्योंकि जीविका को चलाने के लिए एकमात्र यही जो है सहारा था, यही जो है साधन था। आपको बता दें कि प्रशासन से जो है दुकानदारों के द्वारा एक बार गुहार लगाई जा रही है कि किसी तरह से जल्द जो है इनकी तरफ देखा जाए, और जो आर्थिक मदद इनकी बनती है उसको की जाए। सर्वे शर्मा, हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस, अम्बाला छावनी से। ये सीधी तस्वीरें रेलवे रोड अम्बाला छावनी से है। देखिए यहाँ पर जो है बाकायदा जो है रात्रि का समय भी हो चुका है, आग पर जो है काबू पा लिया गया है, और भीषण आग जिस तरह से आपको हमने दिखाया एक बार कि यहाँ पर अभी कुछ भी जो है दुकानदारों का आगे जो है भविष्य के लिए अभी तक इसमें कुछ भी नहीं बचा है, और बाकायदा जो है यहाँ पर दमकल विभाग की दो गाड़ियों के द्वारा जो है आग पर लगभग 2 से 2.5 घंटे के बाद जो है काबू पा